हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्क सर्वाइवल। दोस्तों, आज हम डिमोप्रोडॉन टेम करने वाले हैं। तो मुझे यहाँ पर डिमोप्रोडॉन दिखाई दिया, तो वैसे तो ज़्यादातर डिमोप्रोडॉन आपको रेडवुड पर मिलेगा। तो रेडवुड पर तो टेम करने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि ये ज़्यादातर झुंड में रहते हैं। तो झुंड में जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर आप टेम करने में बहुत आपको परेशानी हो सकता है। तो मुझे यहाँ पर सिर्फ दो दिखा है, तो इसलिए मैं रिस्क ले रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मैं टेम कर पाऊँगा। एक को टेम कर लूँगा और एक को हंट कर लूँगा, क्योंकि एक को नॉक करने के लिए आप जाओ तो सारे डिमोप्रोडॉन आपके ऊपर एग्रो हो जाता है। तो झुंड जहाँ रहेगा वहाँ पर आप टेम नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर मुझे दो दिखाई दिया है, तो एक है 30 लेवल का और एक है 180 लेवल का। तो मैं 180 लेवल का टेम कर लूँगा, और 30 लेवल को अगर ये एग्रो हो जाता तो उसको हम लोग रास्ते से साइड कर लेंगे। आप समझ जाओ। तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि कब ये बैठ जाए कहीं पर, मतलब रुक जाए। तो मैं तब तक दोस्तों हम इस जगह को ठीक तरीके से देख ले कि यहाँ पर खतरनाक वाला डायनोस कोई है या नहीं, और इसकी तरफ भी थोड़ा नज़र रखते हैं कि कब ये बैठ जाए। तो पहले चेक कर लो फिर देखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये बैठ गया है, मतलब रुक गया है एक जगह पर। तो अभी इसको बोला करके पहले हम रोकेंगे, उसके बाद इसको अनकॉन्शियस करेंगे। तो ये देखिए दूसरा वाला आ रहा है, तो इसको भी थोड़ा सा रास्ते से हटाना पड़ेगा। ये कहाँ जाके गिर गया पता नहीं। तो चलिए इसको पहले ये देखिए, ये अनकॉन्शियस हो चुका है दोस्तों। तो अभी इसको फूड देने का टाइम है। तो इसके लिए मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया था दोस्तों। ये मीट से भी टेम होता है, प्राइम मीट से भी टेम होता है, और कीबल से भी टेम होता है। तो मैंने तो एक्चुअली कुछ सोचा नहीं था कि ये यहाँ पर मिल गया था मुझे, तो मैं इसको मीट से टेम कर लूँगा, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है कि ये कुछ नहीं करता, ये अपने कंधे पर बैठा रहता है। अरे ये कहाँ से आ गया बीच में। तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसको नॉर्मल मीट दे दे रहे हैं। और दोस्तों एक चीज़ का आप ध्यान रखना, कभी भी आप डिमोप्रोडॉन को टेम करने के लिए जाओ तो आप नार्कोटिक या बायोटेक्सिन साथ में ज़रूर रखना, क्योंकि इस कटर पर बहुत जल्दी उतरता है। तो नार्कोटिक अगर आप साथ में 200 लाओगे तो आपके लिए बेटर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इतना तो आपको लग जाएगा। 150-160 तक आपको नार्कोटिक लगता है डिमोप्रोडॉन टेम करने के लिए, और इससे भी ज़्यादा लग जाए तो मुझे एक्चुअली पता नहीं। तो मेरे हिसाब से मैं कह रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इसको नार्कोटिक फिट करा रहा हूँ ताकि इसका टॉर पर बना रहे। और थोड़ा सा चेक करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों दूर मुझे एक रैप्टर दिखाई दिया है दोस्तों। तो इसको तो रास्ते से हटाना पड़ेगा, वरना हमारा टीमिंग का सत्यानाश कर देगा दोस्तों। ये देखिए 220 लेवल का रैप्टर था दोस्तों। तो इसको मैं रास्ते से थोड़ा हटा लेता हूँ, क्योंकि वरना ये हमारा टीमिंग का सर्वनाश कर देगा, सत्यानाश कर देगा। तो अभी लगता है और कोई रैप्टर वगैरह नहीं है, और नहीं होगा तो अच्छा होगा दोस्तों, क्योंकि डायनोस का खतरा हर जगह पर है। ये आर्क है दोस्तों, यहाँ पर हर जगह में खतरा ही खतरा है। तो सतर्क आपको रहना पड़ेगा कि कहीं पर कोई डेंजरस वाला डायनो ना आए। तो अभी तो कुछ काम नहीं है, बस हम लोग को सतर्क रहना है, मतलब और इसको चेक करना है बीच बीच में कि इसका टॉर पर बना रहे। इसके लिए इसको नार्कोटिक फीड कराना पड़ता है दोस्तों। तो आप देख सकते हो
सुबह से शाम होने वाला है और ये अभी रात भी हो चुका है दोस्तों, और कुछ टाइम बचा है ये टाइम होने में, तो अभी हम इसको नार्कोटिक फुल दे के चले जाएंगे अपने। मैं यहाँ पर, मेरा एक बेस है छोटा सा, वहाँ पर मैं चला जाऊँगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा खतरा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने दिखाया था बहुत सारे वीडियो में, दिखाया था मेरा यहाँ पर एक बेस है छोटा सा, ताकि कभी भी यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर मैं रुक सकूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम स्टे करेंगे, मतलब थोड़ा सा सो जाएंगे, और उसके बाद हम जाएंगे अपना डिमाप्रोडोन लेने के लिए। तो नाइट तो कंप्लीट नहीं हुआ दोस्तों, और दोबारा ट्राई किया था लेकिन वो टायर्ड है क्या लिखा रहा है, मैंने मतलब अभी हम और नहीं सो सकते हैं क्योंकि ये स्लीपिंग बैग है दोस्तों, स्लीपिंग बैग ये नॉर्मल वाला है, इस पर ज़्यादा हम सो नहीं सकते, 4 आवर से ज़्यादा सो नहीं सकते। तो अभी अंधेरे में हमको जाना पड़ेगा क्योंकि क्या करें, अगर इसका टॉर्पर उतर गया तो टाइमिंग का सत्यानाश हो जाएगा दोस्तों। तो मैं पहुंच चुका हूँ, मैं भी पहुंच चुका हूँ, हाँ पहुंच चुका हूँ दोस्तों, और देख रहा हूँ कि ये टेम हो चुका है दोस्तों, क्या बात है। लेकिन थोड़ा सा सावधानी बरत लूँ इसलिए मैंने टॉर्च फेंका था। आप भी इस तरीके से सावधानी थोड़ा बरतिए और देखिए, हाँ दोस्तों ये टेम हो चुका है, क्या बात है दोस्तों। तो आज का वीडियो दोस्तों कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।